देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। गुजरात में तो बारिश और बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में 63 लोगों की जान चली गई। बारिश से प्रभावित 10,000 से ज़्यादा लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और केरल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 6 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट जारी है। शहर आफत बरस रही है, नदियां उफान पर हैं, अगले 72 घंटे लोगों पर भारी है। आपको बता दें, गुजरात में अंबिका नदी के तट पर अचानक बाढ़ के कारण सरकारी कर्मचारी फंस गए। बाद में वलसाड के कलेक्टर ने भारतीय तटरक्षक को सूचना दी और मदद मांगी। ICG के एक अधिकारी ने बताया कि चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए अभियान चलाया गया। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते थोड़ी परेशानी जरूर आई, मगर 16 लोगों को बचा लिया गया। वहीं वलसाड जिले के कलेक्टर ने भारी बारिश को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 12 जुलाई को बंद रखने के आदेश दिए हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक राज्य में सोमवार शाम 6 बजे तक भारी बारिश की वजह से 10,700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश का दौर थमा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बाढ़ को लेकर ट्वीट किया और कहा, गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी परिस्थितियों के संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी से बात की और मोदी सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गुजरात प्रशासन, SDRF और NDRF प्रभावित लोगों तक तत्वित मदद पहुंचाने में लगे हैं। आपको बता दें, गुजरात में नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई है। यहाँ डोडियापाड़ा और सतबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश हुई है, जिसके चलते करजन डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। इन्हीं 9 गेट से 210,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में भरूच और नर्मदा जिले के लो लाइंग एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। भरूच के 12 और नर्मदा के 8 गांव को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहाँ बाढ़ से हालात बिगड़ने की आशंका है। दरअसल करजन नदी का पानी सीधा नर्मदा नदी में मिलता है, जिसके चलते भरूच के पास नर्मदा में लेवल में बढ़ोतरी होगी। गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, डांगा जिले में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसी तरह मध्य प्रदेश में नर्मदा, पंचमहाल, भरूच, वडोदरा, भेड़ा, आंध्रा, सौराष्ट्र और भावनगर, अमरेली, मोरबी के अलावा कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य में SDRF की 18 टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में बारिश की वजह से स्टेट हाईवे और गांव की सड़कों को मिलाकर 300 से ज़्यादा सड़क बंद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और पिछले 48 घंटे में हुई बारिश के बारे में जानकारी, साथ ही केंद्र सरकार के जरिए जरूरी सभी मदद करने का भरोसा दिलाया। गुजरात में 207 छोटे बड़े बांध हैं, जिसमें 13 बांध हाई अलर्ट पर है, 8 बांध अलर्ट पर है, 7 बांध खतरे के निशान के करीब है, जबकि सरदार सरोवर बांध अपनी क्षमता के 45.33% भर चुका है। इसके अलावा 11 बांध 100% भर चुके हैं, 18 बांध 70% से 100% भर चुके हैं, वहीं 25 बांध 50% से 70% भर चुके हैं। इनमें उत्तर गुजरात के 15, मध्य गुजरात के 17, दक्षिणी गुजरात के 13, कच्छ के 20 और सौराष्ट्र के 141 बांध भर चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। IMD ने कहा है कि मंगलवार सुबह भारी बारिश होने की संभावना है। इन 33 जिलों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम शामिल है। राजस्व विभाग में एक अधिकारी ने बताया कि 1 जून से अब तक बिजली गिरने से 60 लोगों की मौत हुई है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण अफसरों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। यहाँ गोदावरी नदी उफान पर है, SRSP और अन्य जलाशयों में पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। IMD ने अगले 2 से 3 दिनों में तेलंगाना के कई हिस्सों में
भारी बारिश की चेतावनी दी है। खबर फिलहाल इतना ही, बनरिया बनडिया हिंदी के साथ।